बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, आज मैं आपके लिए चिकन और आलू की रेसिपी लेकर आई, जिसके लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए, और ये गार्लिक जिंजर है, ये प्याज है, और ये टमाटर पेस्ट है, और ये धनिया और ग्रीन चिली है, और ये 1 किलो आलू है, ये 1 कप ऑयल है, और इसमें ये चिकन मसाला है, ये हल्दी पाउडर है, और ये नमक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, जीरा पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है, और कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये 1 कप पानी है। जैसे कि देखें, मैंने ये कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी, और अब मैं 1/2 कप तेल डाल दिया है, ये थोड़ा गर्म आएगा, फिर मैं प्याज डालूँगी। ये है प्याज, चला गया। इसको थोड़ा हम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं चाहिए। अच्छा, ये देखें, मैं अभी इसमें चिकन डालने जा रही हूँ, आप ये कुक हो चुकी है, अब ब्राउन हो रही है, अब इसमें मैं चिकन डालूंगी, ये चिकन डालूंगी इसमें, और इस प्याज में इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि चिकन की जो स्मेल होती है वो प्याज के अंदर अच्छे से निकल जाती है। अभी थोड़ा मैं इसको ये देखें, अभी मैं इसको चिकन थोड़ी फ्राई हो गई है, इसमें मैं इसको इसमें आलू डालूंगी, आलू डाल के थोड़ा इसको भूनेंगे, क्योंकि चिकन आलू जल्दी रेडी होते हैं, इसलिए हमने आलू इसके साथ ही डाल दिए, चिकन को थोड़ा छोटे दिया, क्योंकि इसकी थोड़ी स्मेल आती है, और ये अभी तक इसमें प्याज लिए, अभी हमने कुछ नहीं डाला चिकन में, थोड़ा इसको भुनेंगे, फिर इसमें आगे हम डालेंगे कुछ और चीज़ें। अभी हम इसमें जिंजर और गार्लिक डालेंगे, यानी कि लहसुन, अदरक और ग्रीन और सब्ज मिर्च, इसमें थोड़ा इसको भूनेंगे, अभी चूल्हा थोड़ा मैंने हाई पे रखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो कढ़ाई है ये अनाज की है, थोड़ा प्याज से करेंगे। थोड़ी इसकी ना अदरक और इसके लहसुन में थोड़ा हरी मिर्च में थोड़ा उसको भूनेंगे, और इसकी बहुत अच्छी अभी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और बाद में आप अभी ये थोड़ा भून चुका है, अभी इसमें हम डालते हैं अपने सब मसाले। पीला हमने स्लो कर दिया, थोड़े मसाले भूनेंगे, भूनते फिर इसमें चिकन को जब भी काटें आप पहले इसको काट के रखें, फिर नमक में पानी डाल के फिर इसको थोड़ा वॉश करें, इसमें इसकी स्मेल निकल जाती है, और इस पॉइंट में हमें इसमें टमाटर पेस्ट, या मैंने मशीन में डाल के टमाटर
ओके तो इसमें मशीन में टमाटर पेस्ट बना लिया। अभी चूल्हा हमारा थोड़ा हाई पे रहेगा और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सालन हमारा तकरीबन रेडी है, थोड़े से आलू कच्चे हैं, थोड़ा सा इसमें आधा कप पानी डालें, फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये इसमें जाएगा आधा कप पानी। अभी मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखें हमारा सालन अभी रेडी हो चुका है। ये अभी मैं इसको इसमें धनिया डालूंगी, ये अभी रेडी है। ये देखें हरी मिर्चें और ये धनिया डाल गया। ये सालन रेडी है। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, वरना मैं इसको निकालती, डिश आउट करती, आपको दिखाती। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना। और अगर आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स लिखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।